अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो समर वेकेशन स्टार्ट होने के बाद मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था, मोबाइल यूज़ करना, खाना पीना और सोने के अलावा कुछ भी नहीं। देन कुछ टाइम बाद फिर मेरी ज़िंदगी में हंटर आया एंड उसके बाद सब कुछ बदल गया। अब आप सोचेंगे ये हंटर कौन है। हंटर को जानने के लिए आपको 13 दिन पीछे जाना होगा। ये मून के नए 2 बच्चे। मून ने वैसे 3 बच्चे दिए थे लेकिन उसमें से एक की डेथ हो गई है और अभी ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा वीक है। क्यों वीक है उसकी लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ थोड़ी देर में। और ये वाला जो है ये ठीक है और इसके पाँव में से भी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और अभी ये दूध भी नहीं पी रहा, बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। बात कुछ ऐसी है कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, सो घर के अंदर रहना एसी और पंखे के बगैर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो उसकी वजह से मैं मून और उसके 3 बच्चों को छत में छोड़ देती थी। फिर आप कहेंगे कितनी ज़्यादा क्रूअल बंदी है, कितनी हार्टलेस बंदी है, खुद पंखे में सोएगी, कूलर में सोएगी, उन्हें छत पर छोड़ेगी। शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती, बताती हूँ क्यों नहीं आती। सो बात ऐसी है कि मून तो ट्रेंड है, उसे वॉशरूम यूज़ करना आता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करने के लिए वो वॉशरूम जाती है। लेकिन उसके 3 बच्चों को नहीं पता कि यार वॉशरूम करना पड़ता है, उसके लिए एक प्रॉपर जगह होती है। सो वो इधर उधर कहीं पे भी कारनामे कर देते थे अपने एंड उन कारनामों से बदबू आने लग जाती थी। तो ऐसा है कि मैं उनके लिए एक बॉक्स रखती थी जहाँ पे उन्हें वॉशरूम करने की इजाज़त थी, उस डब्बे के अलावा उन्हें कहीं नहीं करना था। ये मैंने उन्हें ट्रेन किया हुआ था, उसकी माँ ने खुद ट्रेन किया था, मून ने ट्रेन किया था, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरे। उस डब्बे को छोड़ के इधर उधर वो कारनामे करने लग गए, तो उसकी वजह से मुझे उन्हें छत पे छोड़ना पड़ रहा था। तो वो रात को मैं उन्हें छत पे छोड़ती थी, दिन में वो घर के अंदर ही होते थे इधर उधर। तो फिर ऐसा था कि मून एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे पता था कि मून फिर से किटन देने वाली है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो कब उसका टाइम है। तो उस दिन ईद का पहला दिन था और ईद के पहले दिन की रात को मैंने हमेशा की तरह 9-10 बजे उन्हें खाना वगैरह दिया, दे के पानी वगैरह दे के मैंने उन्हें छत पे छोड़ दिया और उनके लिए सेटअप बनाया हुआ था जहाँ पे वो सोते थे, तो वहाँ पे मैं छोड़ के आ गई और मैं आराम से सो गई। तो सुबह 7 बजे अम्मी आई और उन्होंने मुझे उठाया और मुझे कहा कि मून ने 3 किटन्स दिए थे जिसमें से 2 जिंदा हैं और 1 मर गए। तो मैं अचानक उठी, मैंने कहा ये क्या कह रही हैं आप। जब मैंने देखा अम्मी ने बड़े से टब के अंदर उन्हें रखा हुआ है, इधर उधर कपड़े रखे हुए हैं, बीच में वो तीनों हैं। तो मैंने देखा एक की डेथ हो गई थी, 2 जो थे उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल सी थी, बहुत ज़्यादा ठंडे थे, मैंने उन्हें हाथ लगाया, बहुत ज़्यादा ठंडे थे। जो जिसकी डेथ हो गई थी वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा था, बाकी जो 2 थे वो भी बहुत ज़्यादा ठंडे थे। फिर मैंने अम्मी को कहा कि ये इतने ठंडे क्यों हैं। फिर अम्मी ने कहा कि सुबह 7 बजे बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से जो है ना ये इस तरह पानी में फिर ठंडे हो गए पानी की वजह से। तो फिर उसके बाद काफ़ी मतलब उनको हम लोगों ने कपड़ों में लपेट के तो गर्म कर दिया और फिर हमने कहा कि अब इसको मून को लाते हैं, ये फीड कराएगी मून। जब हम मून को लेके आए, मून उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, मून उन्हें देख ही नहीं रही थी। ऐसा होता है कि जब कैट बच्चों को डिलीवर करती है तो वो फर्स्ट टाइम खुद क्लीन करती है अपने बच्चों को, उनको स्मेल लेती है कि या हाँ ये मेरे बच्चे हैं, लेकिन मून को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। एक तो बारिश हुई जिसकी वजह से उसके बच्चे जो है ना वो धुल गए, और दूसरा जो काम हुआ उसका तो अल्लाह ही पूछे इन मून के पिछले बच्चों से। उन्होंने क्या किया कि मून के जो पिछले क्लैरा, सिम्बा और जेरी थे, उन्होंने जो नए बच्चे हैं उनको चूहा समझ लिया कि भाई ये चूहे हैं जो रेंग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उसके जो नए बच्चे हैं उन्हें इतना मारा है, उन्होंने इधर उधर उछाला है, पूरी छत में इन्हें फेंका है, जिसकी वजह से एक ने बहुत ज़्यादा चोटें खाई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, दूसरे की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी, उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें भी लगी हुई थी और एक जो था वो थोड़ा ठीक था, उसकी हालत ठीक थी। तो मून को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो अपने बच्चों को सूंघ सके कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं। तो वो फिर मून उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करती, उन्हें फीड ही नहीं करती। तो मैंने कहा कि इसके पाँव पकड़ लेती हूँ, पकड़ के मतलब फीड कराएंगे। मैंने उसका पाँव पकड़ा, 1 मिनट तो सुकून से बैठ गई लेकिन आवाज़ें निकाल रही हूँ।
लेकिन फिर क्या हुआ कि मून ने ज़ोर से लात मारी, जिसकी वजह से जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा चोटें लगी थी उसकी किसी चोट में उसका पाँव लगा, मून का पाँव लगा और उसकी चोट जो थी वो पेट में थी और उस चोट से खून निकलने लग गया और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। खून को रोकने की भी कोशिश की, खून रुक गया लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर पहले वो दूध पी रहा था लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसने उस चोट के बाद उसने वो दूध भी पीना छोड़ दिया। मैंने उसको सिरिंज से पिलाने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की लेकिन फिर उसने पिया नहीं। एक तो उसका सर्दी की वजह से गला भी बंद हो गया था और दूसरा उस चोट की वजह से उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो मतलब अपना मुंह खोले और दूध को निगले। तो फिर रात को 9 बजे 8-9 बजे उसकी डेथ हो गई। ये कब से थोड़ा जैसे सांस ले रहा था, लेकिन अब इसकी डेथ हो गई है। मुझे दुख हो रहा है लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ये तड़प तड़प के मरे। हाँ इधर करो। डालू पर? डालो। जिंदा तो नहीं? नहीं। एक बच्चा बचा था मून, उसे भी फीड नहीं कर रही थी और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी भूख की वजह से। वो दिन भर चिल्लाता रहता बेचारा लेकिन मून उसे फीड ही नहीं करती। उसे मून को बहुत मुश्किल से पकड़ के हमें रखना पड़ता था जब हम बच्चे को फीड कराते थे। एक एक हाथ से मैं उसका सर पकड़ती थी, दूसरे हाथ से उसका पैर पकड़ के उसको ज़ोर से दबाती थी, फिर उस बच्चे को मतलब फीड कराती थी। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और मून क्या करती थी, हंटर को फीड नहीं कराती थी बल्कि जाके अपने पिछले 3 बच्चों को फीड कराती थी। तो ये बहुत बड़ा मसला हो गया था कि ये बेचारा तो भूख के मारे मर ही जाएगा। सो हम लोगों ने क्या किया, मून क्लैरा और सिम्बा को हम लोग B17 में छोड़ के आ गए क्योंकि अब ये तीनों बड़े हो गए थे, यानी 4-5 महीने के तो हो गए थे और इन्हें हंटिंग वगैरह भी आती थी। पहले भी हम लोग इन्हें रात को मतलब रात या दिन हो तो ये बाहर चले जाते थे, मतलब बाहर बिल्कुल घर से बाहर चले जाते थे और कभी 5 दिन के लिए घूम जाते थे, कभी 6 दिन के लिए, कभी हफ्तों के लिए घूम जाते थे, फिर अचानक से मिल जाते थे। तो इनको पता था कि हंटिंग कैसे करनी, खाना पीना बाहर से कैसे, कभी ये चूहे पकड़ के ले आते घर, कभी ये चिड़िया पकड़ के ले आते। तो अब ये बड़े हो गए थे, हंटिंग जानते थे, कैसे खाते से खाना है वो जानते थे, तो इसलिए हमने इन्हें B17 में छोड़ दिया। आज जेरी और सिम्बा क्लैरा का लास्ट दिन है, वो लोग जा रहे हैं। दिल तो नहीं कर रहा लेकिन तो फिर पहले दिन तो कुछ इतना पता नहीं चला। मून ने दूसरे दिन चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, खाना छोड़ दिया, बिल्कुल ही डल हो गई, मतलब अपने बच्चों को याद करने लग गई। यूजुअली जो कैट्स हैं वो 3 महीने बाद ही अपने बच्चों को छोड़ देती हैं, उनको काटती हैं ताकि वो अपनी माँ से नफरत करने लग जाए, लेकिन ना ही मून अपने बच्चों को भूल रही थी ना ही उसके बच्चे उसे छोड़ रहे थे। उस मून उन्हें फीड करा रही थी, बड़े मसले हो गए थे। तो फिर मून जब डल हो गई, उसने खाना छोड़ दिया, तो हम लोग B17 वापस गए नेक्स्ट डे ही और हमने उन तीनों को वहाँ पे ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो लोग हमें नहीं मिले। काफ़ी 2 घंटे हम लोगों ने ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। तो फिर नेक्स्ट डे फिर अम्मी अबू और हसन चले गए ढूंढने के लिए, फिर हम लोग को सिम्बा मिला, सिम्बा मिल गया। तो फिर हम लोग इसे घर ले आए, बाकी 2 नहीं मिले। फिर मून मैडम बड़ी खुश, सिम्बा के साथ अब वो इंजॉय कर रही है। ये डिनचक डिनचक करने के लिए अपने गोदाम से बाहर आ गया है, इसकी आंखें थोड़ी सी खुल गई हैं इसीलिए ये एक्सप्लोर कर रहा है, और जब से इसकी आंखें खुली हैं ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है और मेरे कानों में दर्द किया हुआ इसने। क्या सूंघ क्या रहे हो तुम, हैं सूंघ क्या रहे हो, उधर देखो, इधर इधर देखो, क्या सूंघ रहे हो हैं। इसका पेट देखे, इसका पेट जो है ना मुझे लग रहा है फटने वाला है, इतना ज़्यादा दूध पीता है ये, इतना ज़्यादा दूध पीता है ये। अब हंटर का सारा ख्याल सिम्बा रखती है, तो अभी ये मून नहीं है, ये सिम्बा सो रही है हंटर के साथ। माशाल्लाह कितने क्यूट लग रहे हैं।
है सिम्मी, सिम्मी की बच्ची। सो बस आप लोगों ने दुआ करनी है कि हंटर जल्दी से बड़ा हो जाए और इसकी आंखें जल्दी से खुल जाए और मून मैडम इसको एक्सेप्ट कर ले। बस यही कहना था आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़। नहीं नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं, ना जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल यहाँ पे।